हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस रीट के बारे में। इसके बारे में हम 60 डेज अब रह गए हैं हमारे एग्जाम में, तो 60 डेज की आज हम स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला भी था जब हमने 75 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर की थी, तो मैंने बोला था हम 60-50 इस तरीके से जब तक एग्जाम नहीं आता है हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपने 75 डेज की स्ट्रेटेजी देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम धीरे धीरे वर्क करते जाते हैं और हमको पता भी नहीं लगेगा और हमारा सिलेबस कम्प्लीट होता चला जाएगा। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि 60 डेज में हम कैसे रीट की तैयारी कर सकते हैं और ना केवल तैयारी बल्कि अच्छे नंबर लाकर अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो देखो गाइस, क्या है, 60 डेज को हम 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 60 डेज को हम 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। फर्स्ट 15 डेज, देन 20 डेज, अगेन 15 डेज और फिर 10 डेज, इस तरीके से रहने वाला है ये। अब क्या क्या करना है, किन किन दिनों में कैसी क्या तैयारी करनी है, ये समझना है। तो देखो, फर्स्ट 15 डेज में हम क्या करने वाले हैं, आपने इससे पहले कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा। हो सकता है किसी ने पूरा 100% पढ़ लिया हो, क्योंकि लोगों को भाई 100% हो जाता है लोगों का कि हाँ ठीक है हमने 100% पढ़ लिया। किसी को लगेगा हमने 90% पढ़ लिया, किसी को लगेगा 80% और किसी को ऐसा भी लगेगा कि हमारा तो केवल 30-40% ही पड़ा हुआ है। ठीक, तो अब क्या करना है, फर्स्ट स्लॉट में हम बात करेंगे कि जो भी अभी तक आपने पढ़ रखा है केवल उसी चीज को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्या हमने पढ़ लिया, क्या रह गया, क्या छूट गया, अभी उन सब चीजों को छोड़कर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सिलेबस हम स्टिक करेंगे जहां हम पढ़ते हैं, तो जो सिलेबस के जो पॉइंट्स रहते हैं वहां पर हम कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे, जो पॉइंट्स हमारे होते चले जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, वापस अपना वही सिलेबस उठाना है, देखना है कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर मार्क लग चुके हैं, उनको हमें 15 डेज में कंप्लीट रिवाइज करना है। हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, भले ही लोग कुछ कहे यार इतने कम दिन रह गए अब तो हमें ये पढ़ लेना चाहिए, तुम्हारा ये रह गया तुमने अभी तक ये नहीं पढ़ा, अरे इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, किसी फ्रेंड ने कोई सजेशन दिया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको केवल रिवाइज करना है जो भी आप कुछ पढ़ चुके हो 15 डेज में। ठीक, अब उसके बाद जब ये सब कुछ एक रिवाइज हो जाएगा तो एक मन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। रिवाइज करने के साथ साथ हम लगा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे इस रिवीजन के साथ, तो हमको हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाएगी कि हमारे कौन कौन से पॉइंट्स बहुत अच्छे से हो गए और कौन से पॉइंट्स लर्न होने के बाद भी रह गए हैं। अब हम इन 20 दिनों में क्या करेंगे, इन 20 दिनों में हम स्टार्टिंग के 10 दिन तो ऐसे लेंगे कि जो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है और सिलेबस में दिया है। होता है ना कि जैसे अब 80-90% हो गया, 70% सिलेबस हो गया, तो 30% है। तो देखो 100% तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप सिलेबस पूरा 100% कर जाओ। मैं ये कहती हूँ भले ही आप 80% करके जाओ, इवन 70 भी कर जाओ, पर 70 को ही पूरी अच्छी तरीके से करके जाओ कि अगर 70 में से कुछ आ जाए तो वो हमसे चूकना नहीं चाहिए। तो यहां पर भी मैं वही बात करूंगी, अगर आपको लगता है कि कोई भी नई चीज रह गई है जो सिलेबस में दी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो यहां पर हमने रिवाइज किए हैं और उनको हम भूल रहे हैं, वो हमसे क्या लर्न नहीं हो पा रहे, हम उनको भूल रहे हैं, तो हम इन नई चीजों को लर्न करेंगे स्टार्टिंग के 10 दिनों में। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमसे तो क्या है, अभी 30-40% सिलेबस ही हुआ था, तो अब यहां पर चूंकि सिलेबस ज्यादा है, सिलेबस कितना रह गया 40% के हिसाब से 60% रह गया, तो 60 के पीछे ना भागकर आप वापस से 30-40% सिलेबस इन 20 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको 8-9 घंटे भी पढ़ना पड़े, क्योंकि भाई अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अब कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ लोग पहले से पढ़ते रहते हैं, कुछ लोग 5-6 कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं, और कुछ लोग 10-15 दिन 9-10, 10-11 घंटे पढ़ लेते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने सिलेबस कितना कुछ कवर कर रखा है। बस ये है कि यहां पर नई चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर जिसका
का 30-40% है, तो देखो 40% से सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचोगे 40% ही हम पूरा करके जाए, 40% में से कुछ भी ना भूले, कुछ भी ना छोड़े, तो देखो 40% से सिलेक्शन नहीं होगा। मोर देन 60-70% सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 30-40% हम कोशिश करेंगे कि वो चीज कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद ये जो 15 डेज हमको मिल रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो कुछ हमने यहां पर रिवाइज करा था और जिन चीजों को हम भूल रहे थे, मतलब हमने पहले उनको याद कर लिया, उनको रिवाइज कर लिया, लेकिन रिवाइज के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है ना, हम चीजें भूलते जाते हैं, तो हमको क्या करना है, उनका रिविजन करना है। हम क्या करेंगे, उन चीजों का रिविजन करेंगे जो चीजें हम भूल रहे हैं। और उसके बाद ये जो 30-40% है, चूंकि हमने कभी इससे पहले तो पढ़ा नहीं था, हमने इसको एक बार ही पढ़ा, तो अब हम इस 30-40% का भी यहां पर रिवीजन कर लेंगे इन 15 दिनों में। ये देखो, ये थोड़े से टाइट डेज हो सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है, 9-10 घंटे भी पढ़ना पड़े, पर देखो यहां पर आई थिंक इतना तो बनता ही है। यहां पर आप 7-8 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि भाई जो चीजें आपने पढ़ रखी उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना है ना, और उसके बाद जो चीजें यहां हम भूल रहे हैं उसका रिवीजन करना है। और जो 30-40% सिलेबस हमने किया है, हो सकता है किसी का यहाँ 10% रह गया हो, किसी का 20 रह गया हो, ये अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहां पर ये जो चीजें हमने चूंकि एक बार पढ़ी, और मैं रिवीजन पर हमेशा ही जोर देती हूँ, तो यहां हम वापस से एक बार और रिवीजन कर लेंगे। इसके साथ अब रह गए हमारे 10 दिन, एग्जाम के 10 दिन रह गए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं ये 10 दिन। अगर इसमें आपने बहुत अच्छे से सटीक तरीके से पढ़ाई कर ली तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो क्या है, 40% हमारा यहां कंप्लीट हो गया था, 40% यहां कंप्लीट हो गया, ये हमने पहले एक बार पढ़ रखा था, मतलब एक बार रिवीजन हो गया, एक बार रिवीजन हो गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और एक बार ये पढ़ा था और एक बार रिवीजन इसका ये हो गया, मतलब दो बार रिवीजन हो गया। जब चीजें दो बार रिवीजन हो जाती है, तो क्या वो 10 दिन में एक बार और रिवीजन नहीं कर सकते हम? तो अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें ऑल ओवर रिवाइज करना है चीजें, बिल्कुल ऑल ओवर, कहीं से कोई पॉइंट अब छूट ना पाए। यहां पर अगर इन 10 दिनों में हमको 12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा तो हम इस चीज के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि देखो यहां हमने 7-8 घंटे पढ़ा, फिर यहां ये जो टाइम था यहां हमने 9-10 घंटे पढ़ा, तो अब 12 घंटे पढ़ना आई थिंक 60 डेज, 2 महीने में अगर आप ऐसे रिदम बनाते रहोगे तो आप ही हैबिचुअल हो जाओगे पढ़ने के। मतलब अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको बेचैनी सी होने लगेगी, यार मेरा ये टॉपिक रह गया, ये सब्जेक्ट रह गया, मुझे तो पढ़ना है। तो इस तरीके से देखो, यहां अगर आपको समझ आ रहा हो तो ठीक है, वरना मैं एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्लॉट रहेगा, वहां पर हम टोटल रिवीजन करने वाले हैं, वो सब चीजें जो हमने पिछले 6-7 महीनों में पढ़ी हैं, चाहे 10%, चाहे 20, चाहे 40 और चाहे 80, कितना भी पढ़ा हो, उन सबको यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। स्टार्टिंग फर्स्ट स्लॉट से थी, सेकंड स्लॉट पे यहाँ पर 10 दिनों में हम नई चीजें पढ़ेंगे। नई चीजें मतलब कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई भी टॉपिक है, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में हो, सीडीपी में हो, मैथ्स में हो, कुछ भी हो, वहां हम उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज ना करके केवल एक बार ही रीडिंग कर लेंगे कि हमारी निगाह से वो चीज निकल गई है। फिर उसके बाद के जो 10 दिन है, उसमें हम कोशिश ये करेंगे भाई 30-40% रह गया होगा सिलेबस, तो 10-20 दिन में, 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो पूरे के पूरे 20 दिन हमारे नई चीजों को पढ़ने में लग जाएंगे। अब जो 15 दिन का है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम रिवाइज करेंगे भाई उसको, चूंकि हमने एक ही बार पढ़ा था, एक बार पढ़ने से इतनी मेमोरी बहुत लोगों की शार्प होगी, मैं ये नहीं कह रही, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि एक बार पढ़ने से हम लॉन्ग टाइम तक उसको याद नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका रिविजन करेंगे, प्लस जो हमने चीजें रिवाइज करी थी उसको भी अगर हम कभी कुछ भूल रहे हैं तो वहां पर कुछ अलग से मार्क कर लेंगे या अलग कलर की पेन से मार्क कर लेंगे, ताकि हमको ध्यान बना रहे, और उन सब चीजों का रिवीजन करेंगे। और लास्ट के 10 डेज में बिल्कुल आराम से, आपको पता भी नहीं लगेगा, जब यहाँ 7-8, 9-10 और यहाँ 12 घंटे हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, रिलैक्स होकर चीजें रिवाइज करनी है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो देखो गाइस, ये थी हमारी 60 डेज की स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और लोगों को शेयर करना जो लोग आपसे जुड़े हुए रीड की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर। नेक्स्ट वीडियो में 50 डेज की स्ट्रेटेजी पर फिर से लेकर आऊंगी कि 50 दिनों में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।